हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप की। एक से अधिक टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करा करके और इस तरह का एक हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। अब यहां पर इस सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है, यहां पर हमने इनवॉइस नंबर भी दिया है। पिछला जो सॉफ्टवेयर था वहां पर हम इनवॉइस नंबर नहीं दे पाए थे, तो यहां पर इनवॉइस नंबर भी दिया, इसको भी कनेक्ट किया है। तो जैसे यहां से अगर हम कस्टमर आईडी पिक करते हैं, जैसे मान लीजिए कस्टमर आईडी 3 पिक किया, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी 3 की पूरी डिटेल आ गई। कस्टमर आईडी 3 का नाम है राजू, वाराणसी के रहने वाले हैं। ऑर्डर आईडी 103 है इनकी, ऑर्डर किया था इन्होंने कीबोर्ड, 100 रुपए का कीबोर्ड ऑर्डर किया है। 1003 नंबर का इनवॉइस नंबर इन्हें दिया गया है जिसमें इन्होंने 120 यूनिट खरीदी है, ठीक है, और एक की कीमत 100 रुपए है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ आ रही है। ऐसा ही एक हम बनाना चाहते हैं जिसमें ये तीनों चीजें आए। ये कैसे होगा, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले फाइल पे जाइए, न्यू पर क्लिक कर दीजिए या ब्लैंक डेटाबेस पे कर दीजिए क्लिक। जैसे ही ब्लैंक पे क्लिक करेंगे यहाँ से क्रिएट पर कर दीजिए क्लिक और यहाँ से कर दीजिए व्यू पर क्लिक, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर सबसे पहले हमें डालनी है कस्टमर आईडी, ठीक है, क्योंकि कस्टमर आईडी के ही बेस पे हम सर्च करेंगे चीजें। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी कर दिया हमने और इसे रख देते हैं ऑटो नंबर, ठीक है, ऑटो नंबर रख दिया। अब यहाँ पे कस्टमर का नेम आएगा तो यहाँ पे कर देता हूँ कस्टमर नेम, ओके। आप कस्टमर नेम के लिए भी ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ कस्टमर की सिटी, आप सिटी के लिए भी ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखता हूँ और यहाँ से अब व्यू पे कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फिल करनी है हमें, यहाँ से इसको थोड़ा विड्थ बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पे कस्टमर का नाम है मान लीजिए राम, ओके, और यहाँ पे सिटी है मान लीजिए देवरिया कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ श्याम, यहां पे सिटी कर देता हूं भोपाल, यहां पे कर देता हूं सोनू, और यहां पे सिटी कर देता हूं कानपुर, ओके। फिर यहां पर आते हैं दुर्गेश, और यहां पे सिटी कर देता हूं लखनऊ, ओके। तो ये कुल मिला के 4 कस्टमर की डिटेल हमने रखी है और ये टेबल वन है। टेबल वन में हमने कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सिटी रखी हुई है। अब इस टेबल को कर देते हैं यहाँ से क्लोज। दूसरे टेबल की बात करने वाले हैं आप, तो यहाँ से क्रिएट पे चल के और यहाँ से आप चाहे तो टेबल डिजाइन से भी बना सकते हैं। मैं टेबल पे क्लिक कर देता हूँ, टेबल टू के नाम से अब ये बनाएंगे हम। तो यहाँ पे ऑर्डर की पूरी डिटेल आएगी, ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर आईडी। अच्छा, ये ऑर्डर आईडी जो होगा वो नंबर डेटा टाइप होगा। फिर आएगा कस्टमर आईडी, ये कस्टमर आईडी, ठीक है। तो कस्टमर आईडी कौन सा डेटा टाइप होगा, नंबर डेटा टाइप होगा, ठीक है। और इसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर ये दे दिया हमने। तो इनवॉइस नंबर क्या होगा, ये शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं हम, ठीक है, और यहां से व्यू पे करते हैं क्लिक। अच्छा, यहां पे ऑर्डर का नेम भी आएगा तो यहां पे कर देता हूं आइटम नेम, जो भी आइटम का नाम है वो यहाँ पे आएगा। इसके लिए भी चाहे तो आप ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं, आगे की वीडियोस में हम देखेंगे आगे चल करके। और इसकी प्राइस यहाँ पे दे देता हूँ प्राइस, ओके। यहाँ से अब ये जो है करेंसी डेटा टाइप रख लेंगे और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। ये सारी की सारी डिटेल्स हमें फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ रहा है, ठीक है, इसके पहले हमने कस्टमर आईडी दिया है। कस्टमर आईडी 1 से स्टार्ट हुआ है, ऑर्डर आईडी को हम कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 101 से, ठीक है। आप चाहे तो कुछ और भी दे सकते हैं। कस्टमर आईडी हमारी 1 थी, यहां पर आ गए। अब इनवॉइस नंबर की बात आएगी तो 1001, ठीक है, ए आगे लिख लेते हैं या ऐसे कुछ शॉप का नाम वगैरह होता है तो उसका जो शॉर्टकट होता है वो यहाँ पे कर लेते हैं, AOS ऐसे करके कुछ कर लेते हैं, ठीक है, AOS 1001। फिर यहाँ पे AOS 1002 ऐसे करके हम दे सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम नेम आ रहा है तो जैसे मान लीजिए आइटम नेम कर देता हूं मैं कीबोर्ड, ओके, 200 रुपए का कीबोर्ड है। फिर यहाँ पे 102 ऑर्डर नंबर, और यहाँ पे कस्टमर आईडी 2, और यहाँ पे फिर तो हमने पहले ही दे दिया है, और यहाँ पे कर देता हूँ माउस, और यहाँ पे कर देता हूँ 120 रुपए, ओके। फिर यहाँ पे 103, फिर यहाँ पे 3, और यहाँ पे कर देता हूँ AOS 1003, ओके। फिर यहाँ पे कीबोर्ड, फिर यहाँ पर इसकी कीमत जो है 200 रुपए वो डाल देते हैं। यहाँ पे 104, और यहाँ पे कर देता हूँ कस्टमर आईडी 4, और यहाँ पे फिर AOS 1004,
ये कर दिया हमने, और यहाँ पे फिर माउस, ओके, और 120 रुपए कीमत है, तो ये 120 रुपए। तो इसकी डिटेल हमें तैयार कर लेनी है ऐसे, ये हो गया, और यहां से सेव पे कर देता हूं क्लिक, ओके। और अब टेबल टू को भी और टेबल वन को भी, दोनों को क्लोज कर देते हैं। अब एक टेबल जो कि मेन इनवॉइस की टेबल होगी वो हमें बनानी है यहां पे, तो ये टेबल थ्री के नाम से बना रहा हूं, इनवॉइस नंबर, इसे हम क्या रखेंगे, नंबर डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखा था वहां पे, तो यहां पर भी हमें शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना होगा। और यहां पर कर देता हूं मैं ऑर्डर आईडी, ओके, तो ऑर्डर आईडी यहां पर आएगी, और इसे हमने रखा है नंबर डेटा टाइप, तो यहां पे भी नंबर डेटा टाइप हम कर लेते हैं, ठीक है। यहां से ओके प्रेस करेंगे और यहां से भी ओके प्रेस कर देंगे, तो यहां पे अब इनवॉइस नंबर आएगा। तो इनवॉइस नंबर आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से दिया है, AOS 1001 ऐसे करके दिया है, ठीक है, और ऑर्डर आईडी दिया है 101 से। तो यहां पे इनवॉइस नंबर दे देता हूं और यहां पे लिखते हैं AOS 1001, ये हमारा पहला जो है इनवॉइस नंबर है, और ये यहां पे 101 से स्टार्ट हो रहा है। फिर यहां पे AOS 1002, फिर यहां पर आएंगे तो 102, फिर यहां पे AOS 1003, और फिर यहां पे 103, फिर यहां पे आएंगे AOS 1004, ऐसे करके ये हमें एंटर करना है, ठीक है, ये 104 हो जाएगा। अब ये सारी डिटेल्स हमारी सेव हो गई हैं, यहां से हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ये क्लोज कर दिया। अब इन तीनों टेबल्स को लिंक कराना है, डेटाबेस टूल्स पे गए, रिलेशनशिप पे गए, इन तीनों टेबल्स को यहां पहले ऐड करेंगे हम। टेबल वन हो गया, टेबल टू हो गया, और ये हो गया टेबल थ्री, तीनों टेबल्स ऐड हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब कस्टमर आईडी को लिंक कर दिया मैंने कस्टमर आईडी से यहां पे, तो ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ऑर्डर आईडी को ऑर्डर आईडी से लिंक कर देना है, ये देखिए यहां से जाकर के, और ये ऑर्डर आईडी को ऑर्डर आईडी से कर दीजिए लिंक, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस नंबर हो जाएगा लिंक, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं यहां से, और भी बेहतर तरीके से आपको पता चलेगा, इसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ रिलेशनशिप हमारा क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, यहां से सेव पे क्लिक कर देना है, जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे और फिर यहां पे इसे क्लोज करेंगे, तो आप आपको ये पता है कि ये रिलेशनशिप ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, जैसे ही डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे तो ये आपको रिलेशनशिप दिखाई पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, क्रिएट पे चलना है और यहां से फॉर्म विजार्ड पे चलना है। तो ये फॉर्म विजार्ड पे आ गए, हमें कस्टमर आईडी चाहिए ही चाहिए, कस्टमर का नेम चाहिए, सिटी भी चाहिए, तो ये ले लिया हमने। अब टेबल टू में आते हैं, ऑर्डर आईडी चाहिए, कस्टमर आईडी हम ले चुके हैं, इनवॉइस नंबर हम वहां से लेंगे, और यहाँ पे आइटम नेम चाहिए और प्राइस चाहिए, तो प्राइस भी ले लिया हमने। अब टेबल थ्री पे आते हैं, टेबल थ्री में हमें इनवॉइस नंबर चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, यहां पर इन सबको ले लिया। लेकिन हम सर्च किसके बेस पे करने वाले हैं, टेबल वन के बेस पे, तो टेबल वन को यहां ऊपर में सेलेक्ट कर रखा है, अगर टेबल टू के बेस पे सर्च करना चाहते हो तो टेबल टू, तो यहां पे टेबल वन कर दिया हमने, और यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। टेबुलर फॉर्म में डेटा चाहिए कि डेटा शीट व्यू में, तो हमें डेटा शीट व्यू में चाहिए, ठीक है, पर किया और यहां से फिनिश पे कर दिया क्लिक। तो जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये पूरी की पूरी डिटेल यहां पे आ चुकी है, इनवॉइस नंबर भी आ चुका है और इसकी प्राइस और सारी चीजें, सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेना है। डिजाइन कैसे करें, यहां से ये टेबल वन हटा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे हम सर्च बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ये बैकग्राउंड हमें कलर करना है। होम पे जाएंगे और यहां से जो भी कलर हमें ठीक लगता हो, जो भी कलर बेहतर लगता हो, वो कलर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हमें ये कलर ठीक लग रहा है, तो हमने ये कलर चूज कर लिया, ठीक है। आपको कोई और कलर पसंद हो तो आप यहां से वो कलर चूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पे ये कलर चूज कर लिया तो ये कलर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। फुटर पे आप बटन्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्शन में लेता हूं, कंट्रोल ए प्रेस करता हूं, इसको सिलेक्शन में ले लिया। हम इसको थोड़ा ब्लैक बनाएंगे ताकि ये बेहतर तरह से दिखाई पड़े, ये ब्लैक कर लिया हमने। अब ये जो है सब फॉर्म का हिस्सा है, इस पूरे के पूरे सब फॉर्म को आपको सिलेक्शन में लेना है, कंट्रोल ए प्रेस कीजिएगा तो ये सिलेक्शन में आ जाएगा, या फिर यहां पर क्लिक कर सकते हैं अंदर, ठीक है,
यहां पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये पूरा सिलेक्शन में आ जाएगा और इसे बना लीजिए ब्लैक और बोल्ड कर लेता हूं, ये बोल्ड भी कर लिया हमने। फिर नीचे आएंगे, ये देखिए ये हमारी डिटेल है, तो यहां से इसको ड्रैग करके नीचे लेके आइए और इसको भी बना लीजिए बोल्ड और यहां से ब्लैक। ठीक है, अब ये भी हो गया हमारा काम। अब फुटर पे बटन्स भी बना सकते हैं, मैंने फिलहाल बटन नहीं बनाया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे सिंपली व्यू पे कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरह से ये दिखाई पड़ेगा। अब यहां से आप चाहे तो इसको बारी बारी से करके देख सकते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आएगा और जो भी चीजें आप एंटर करते जाओगे वो चीजें इसमें सेव होती जाएंगी। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक सर्च बॉक्स बना ले, तो यहाँ पे व्यू पे जाइए, डिजाइन व्यू पे आ जाइए और यहाँ ऊपर में हम सर्च बॉक्स बनाने वाले हैं, तो ये कॉम्बो बॉक्स चूज कीजिए, यहाँ पर ड्रैग कीजिए इसे और जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह का एक विजार्ड ओपन होगा और यहाँ से फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माई फॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू आई सेलेक्टेड इन माई कॉम्बो बॉक्स, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। कस्टमर आईडी के बेस पे सर्च करना चाहते हैं सिर्फ कस्टमर आईडी ले लीजिए, नेक्स्ट कीजिए और यहां से फिनिश पे कर दीजिए क्लिक। आप चाहे तो उसे कोई और भी नेम दे सकते हैं, मैंने बाय डिफॉल्ट जो नेम था वही नेम रखा हुआ है। ठीक है, आप प्रॉपर्टी शीट पे जाके और यहां से नेम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले हिस्से का कलर हम बदलना चाहते हैं तो यहां से जाकर के होम पे चले जाइए और यहां से कोई और कलर चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। ठीक है, जैसे ये कलर हमें ठीक लग रहा है तो हम ये कलर चूज कर सकते हैं और यहां पर इसे हम ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से ओके प्रेस कर दिया, ठीक है, यहां से व्यू पे क्लिक कर दिया और यहां से व्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी आप चूज करेंगे कस्टमर आईडी, जैसे कस्टमर आईडी 4 चूज कर लिया तो यहां पे अकॉर्डिंग टू कस्टमर आईडी 4 आपके पास पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, ये 3 चूज किया तो 3 के अकॉर्डिंग डिटेल आ जाएंगी, 4 चूज किया तो 4 के अकॉर्डिंग आ जाएंगी, 1 चूज किया तो 1 के अकॉर्डिंग आ जाएंगी डिटेल। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज बना सकते हैं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।